इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपनी योजना क्रमांक 136 में बनाए गुलमोहर कॉम्प्लेक्स के फ्लैट का आवंटन आज हितग्राहियों को सौंप दिया, लेकिन उक्त योजना को लेकर आईडीए को जो लोगों का रिस्पांस मिला है उससे आईडीए के जिम्मेदार मायूस हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण ने योजना क्रमांक 136 में 450 से ज्यादा फ्लैटों से सुसज्जित बहुमंजिला इमारत गुलमोहर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया था, जिसकी कीमत 13 लाख रुपए बताई गई थी, लेकिन इतनी ज्यादा कीमत और बिल्डअप एरिया की कमी के चलते निम्न वर्ग के लोगों को भी योजना इतनी नहीं भाई, क्योंकि एक छोटे परिवार के हिसाब से ये फ्लैट काफी छोटे थे और महंगे भी, लिहाजा 450 में से केवल 80 फ्लैट ही पिछले दिनों लॉटरी निकाल पाई, बाकी शेष फ्लैट्स के खरीदार अभी भी आईडीए को खोजना है। खैर, इन 80 फ्लैट धारकों को शनिवार के दिन इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष शंकर लालवानी ने आवंटन पत्र सौंप दिया। आपको मिलेगा जिसमें लगभग 267,000 की सब्सिडी आपको ऋण लिंक के तहत प्राप्त होगी। अंकुश विजय कुमार और आकांक्षा सोने प्रीति भोसले। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा अफोर्डेबल जो हाउसिंग है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, हम गरीब वर्ग के लिए विशेष आवास व्यवस्था शहर में होंगी, उसी के अंतर्गत हम इंदौर में इसकी नंबर 136 में आवास फ्लैट निर्माण किए थे, और उसमें पीएमओ की जो सब्सिडी है जो कि ब्याज पे 2,67,000 रुपये मिलती है वो उसमें लिंक करी है, और हमने ये लॉटरी पद्धति से आवंटन किया क्योंकि उसकी कॉस्ट फिक्स थी 13,67,000, तो ये लॉटरी पद्धति से की है। और इस लॉटरी पद्धति में जिनको 84 फॉर्म आए थे उसमें से जो वेरिफिकेशन हुआ उसमें 80 लोगों को आज आवंटन दिया गया है, और इस आवंटन में 25% राशि उनको एक माह के अंदर भरना पड़ेगी, और इसके आगे वाली जो 25% राशि है वो आने वाले 3 माह में देना होगी। शेष राशि 50% होने के बाद हम उनको कब्जा दे देंगे, वो वहाँ रह सकते हैं, और उसके बाद शेष राशि वो 5 वर्ष या 10 वर्ष की किस्त के साथ चुका सकते हैं जैसा उनका हो। हमने जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग बनाया है इसमें वो सब सुविधा रखी है कि जो एक अच्छे मल्टी स्टोरेज में होती है, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो कम्युनिटी हॉल हो, चाहे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में पहले फ्लैट नहीं लिफ्ट नहीं होती हुआ करती थी, इसमें 6 लिफ्टें हैं तो लिफ्ट की सुविधा भी दिए, तो सभी एम्यूनिटी जो आवश्यक है वो सब दी हुई है, और ये सब चीज़ें हम जब वहाँ ऑक्यूपाइड हो जाएंगे उनकी एक समिति बना के उनको हैंडओवर कर देंगे और वो आगे इनको मेंटेन करेंगे, तो एक अच्छे वातावरण में जो हमारे भाई बहन है वो अच्छे वातावरण में रह सके, ये हमारी वो है। इसमें कुछ दिनों बाद हम फिर से लॉटरी निकालेंगे, लगभग 15 दिन बाद हम फिर लॉटरी सिस्टम जाएंगे, बच्चे वो फ्लैट है वो देंगे। 1200 फ्लैट अभी कितने बिके? हमने इंस्टॉल धीरे धीरे हम बनाते जो कम्प्लीट होते जा रहे हैं, हमारे पास 300 कुछ फ्लैट अभी कम्प्लीट है, वो हम अभी वैन करेंगे, जिसमें अभी हम 84 फॉर्म आए हैं, 80 हमने दिए हैं, बाकी को 15 दिन बाद फिर हम लॉटरी निकालेंगे, रिमेनिंग देंगे। मैं बाकी जो आपके 155 है जो अन्य टाउनशिप है जो इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन उनसे फ्लैट अभी वो साइज से बड़ा, ये 660 स्क्वायर फीट की साइज के फ्लैट है, वो बड़ी साइज के हैं तो उसमें उनकी लागत ज़्यादा है, तो उनके कुछ कॉस्ट आप कम, वो वर्कआउट चल रहा है किस, क्योंकि इसमें जो एक मूलभूत बात है कि हमने इसमें लागत मूल्य जोड़ा है, गाइडलाइन का जो एक बार था, पहले गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम रेट एनालिसिस करते थे, लेकिन शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हम उन्होंने ये निर्देश दिए कि आप इसमें गाइडलाइन का ना देते हुए जो आपकी लागत मूल्य वो उनको उपलब्ध है, तो उस लागत मूल्य के आधार पर हम कैलकुलेशन को भी करते। देखो, आईडिया सिर्फ प्रॉफिट को देख के नहीं चलता, आईडिया की ये कर्तव्य ड्यूटी भी है कि हमारे जो मध्यम वर्गीय या गरीब वर्ग लोग हैं उनको आवास उपलब्ध कराएं, बाकी बहुत सारी चीज़ें आईडिया के माध्यम से हम दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये आवास उनको न्यूनतम दर पे उपलब्ध कराने के लिए योजना सरकार ने लागू की।